आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। बायोजियोग्राफिक जोन्स, बायोजियोग्राफिक मीन्स बायो मीन्स लाइफ, जियोग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। तो लाइफ को अर्थ के फिजिकल फीचर्स में स्टडी करना यही बायोजियोग्राफी कहलाता है। अर्थ के फिजिकल फीचर्स जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, ग्रासलैंड, प्लेटू, माउंटेन्स, ये सभी अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन दीज वेरियस फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ इज नोन एज बायोजियोग्राफी। हमें बायोजियोग्राफी इंडिया की पढ़नी है और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है। ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इसमें कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो से ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी बन जाती है। तो यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन जो होती है, ये इवोल्यूशनरी बेस पे हम बात करें तो तीन डिफरेंट सेंटर के बीच जो है इसकी पोजीशन है। सबसे पहले गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड जो होता है ये नॉर्दर्न यूरेशिया की ओर शिफ्ट हुआ, देन फाइनली इन्फ्लक्स फ्रॉम अफ्रीका एंड इथियोपिया। वर्ल्ड में कुल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं और इंडिया उनमें से एक है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की बायोलॉजिकल वेल्थ को 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स के अंदर डिवाइड किए हैं। व्हाई इंडिया हैज ए यूनिक बायोजियोग्राफिक रीजंस, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। हम देखेंगे वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी, यहां पे कंटिन्यूस स्नोफॉल कवरिंग है और हिमालयन रेंज से जो स्टार्ट होके अगर हम बात करें तो ये कहां तक जाती है, सी लेवल तक जाती है। लो लेइंग स्वैम्प है, मैग्रोव्स हैं, आइलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, हॉट डेजर्ट है और हाई अल्टीट्यूड पे कोल्ड डेजर्ट एरियाज हैं। कहीं कहीं पे रेनलेस एरिया है और कहीं इतने रेनफॉल एरिया है कि वर्ल्ड के हाइएस्ट एरिया के अंदर काउंट होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन यहां की ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर रीजन में मिल सकती है। यहां से लेके हम बात कर सकते हैं टेम्परेट और आर्टिक रीजन की जो कि हिमालयन रीजन में देखा जा सकता है। हैबिटेट वैरायटी, हैबिटेट टाइप्स भी दे आर वेरी फ्रॉम द ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट से लेके हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान तक में हम इनको देख सकते हैं, या फिर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट लद्दाख से लेके एक लॉन्ग वर्म लाइन कोस्टल लाइन जो होती है, लॉन्ग वर्म कोस्ट लाइन स्ट्रेच तक हम इसे देख सकते हैं। तो ये सभी इसको क्या बना रहे हैं, वैरिड इकोलॉजिकल हैबिट बना रहे हैं, हैबिटेट्स बना रहे हैं और ये सभी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ का फ्लोरा एंड फोना जो है वो काफी रिच और वैरिड पाया जा सकता है। दिस इज अ डायग्राम जहां हम देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप को इन 10 ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट रीजन आप देख रहे हैं येलो रीजन, दीज एंड दिस वन, ये बना है ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है। फिर है हिमालयन रीजन, ये पूरा हिस्सा हिमालयन रीजन का है। देन उसके बाद है गंगेटिक प्लेन, ये गंगेटिक प्लेन है पूरा। डेजर्ट रीजन, दिस इज वन डेजर्ट रीजन जहां राजस्थान गुजरात आ रहा है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी एरिड रीजन, इसी के पास में ये है सेमी एरिड रीजन। फिर है डेकन प्लूटो, ये बहुत बड़ा लैंड एरिया है जो आप देख सकते हो, इसका काफी हिस्सा जो है वो डेकन प्लूटो का है। वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट रीजन है। देन उसके बाद हम बात करें ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देन आइसलैंड, दिस इज ऑल आर आइसलैंड। एंड कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन जो कि गुजरात से चालू हो रही है और ये पूरी ठेठ हम यहाँ देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। दिस ऑल आर द कोस्ट लाइन। नाउ वन बाय वन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयन। टोटल स्प्रेड एरिया 186,200 स्क्वायर किलोमीटर है, 5.63% जो ये इसका बनाता है। इंडिया में लेहुल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का वहां और लद्दाख एरिया जो है वहां पे ये जुड़े हुए हैं। बायोलॉजिकली हम देखें तो ये पुअर नोन है। वेजिटेशन अल्पाइन स्टेपीज जो होती है यहाँ पाई जाती है। एंडमिज्म बहुत हाई है यहाँ की। माउंटेन्स इसकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और तिब्बत तक फैली हुई है और रिचेस्ट वाइल्ड यहाँ पे जो पाए जाते हैं एनिमल वो है वाइल्ड शेप एंड गोट स्पीसीज। हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं यहाँ पे।
वाइल्ड यहाँ के तिब्बतन ऐसे गजाला है, फोर हॉर्न एंटीलोप्स जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं स्नो लेपर्ड है, तिब्बतियन वुल्फ है, पलास कैट है, फॉक्स है, मार्बल पोल कैट है, रॉयल पीकाज है और हिमालयन मारबोट है। इसके अलावा आपने रेड नेक क्रेन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन पाई जाती है जो इसे विशेष बनाती है। दूसरा रीजन है हिमालयन रीजन जो 6.4% पार्ट बनाता है, और इस हिमालयन रीजन को 3 सब जोन्स के अंदर डिवाइड किया है, हिमालयन फुटहिल्स है, वेस्टर्न हिमालयन है, ईस्टर्न हिमालयन। हिमालयन फुटहिल्स जो होती हैं ये कश्मीर से असम तक फैली हुई है, वेस्टर्न हिमालयन जो है लद्दाख से कुमाऊं तक फैला हुआ है, ईस्टर्न हिमालयन जो है वो है सिक्किम रीजन से ये अप टू नेफा जो लाइन है वहां तक ये स्प्रेड है। वेस्टर्न हिमालयन पढ़ेंगे, वेस्टर्न हिमालयन को वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 3 रीजन्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, सब माउंटेन जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है, टेम्परेट या माउंटेन जोन है और अल्पाइन जोन है। सब माउंटेन जो कि 1000 से लेके 5000 फीट की हाइट तक ये फैला हुआ है, यहाँ पे टिम्बर ट्री शोरा रोबस्टा के फॉरेस्ट जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, रिवराइन में दलवर्जिया सीसू है, मॉइस्ट सोइल के अंदर सिड्रेला टोना है, फाइकस ग्लो मेराटा है और यूजीनिया है। इसके अलावा एकेसिया और बूटिया भी यहाँ पाए जाते हैं, ड्राई बेल्ट में जिजीफाइकस और कैरिसा अकेसिया, ये थ्रोनी और यूफोरबिया है, सिकुलाइन यूफोरबिया जो इस एरिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन के अंदर 5000 से 11,675 फीट तक ये फैला हुआ है, 5500 पर हम देख सकते हैं वहां पे दिखेंगे पाइनस एक्सेल्सा, 5500 से 6000 फीट पर यहाँ मिलेंगे सिड्रस ड्यूडारा जो कि बहुत ही अबंडेंट पाए जाते हैं, उसके अलावा क्यूरकस इकाना जो कि सेपरेट पैचेस में पाए जाते हैं, इनर हिमालयन में बेटूला है, सालिक्स है, पॉपुलस है, ये बहुत अबंडेंट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा हाई अल्टीट्यूड पे जो अदर प्लांट्स हैं जो पाए जाते हैं वो हैं एस्कस इंडिका, क्यूरकस सेमी कार्पीफोलिया, क्यूरकस डाइलेटेटा। उसके अलावा और अपन अपर उस पे चले जाते हैं तो यहाँ पे अदर जो कॉनिफर्स जो होते हैं वो ये पाए जाते हैं। अल्पाइन जोन है जो कि 12000 फीट के ऊपर हम देख सकते हैं, 12000 फीट के ऊपर अल्पाइन रीजन है, यहाँ पे इसकी ट्री लिमिट ट्री ग्रोथ की जो है ये लिमिट एरिया है, यहाँ पे प्लांट सारे कैसे हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है, रिड्यूस फॉर्म में है, आप यहाँ ड्राफ और कुशन शेप वाले श्रब और ग्रासेस हैं सिर्फ वो पाए जाते हैं, और 15000 के ऊपर सिर्फ स्नो लाइन है जहां पे कोई भी प्लांट जो है नहीं पाए जाते। यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो है रोडोडेंड्रॉन है, बेटूला यूटिलिस है और स्मॉल जूनिपर्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। फौना ऑफ वेस्टर्न हिमालयन की हम बात करें तो फौना के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं वाइल्ड एस है, वाइल्ड गोट है जिसमें आइबेक्स इम्पॉर्टेंट है, शिप है, यहाँ पे भराल जो है वो पाए जाते हैं जिन्हें ब्लू शिप भी कहा जाता है, एंटीलोप्स हैं, डियर्स हैं, हंगूल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है, स्मॉल मैमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, मारमोटा एंड पीकाज हैं, उसके अलावा गोल्डन ईगल है, स्नो कॉक है, स्नो लेपर्ड्स है, वुल्फ है, फॉक्स है, कैट्स है, ब्लैक एंड ब्राउन बियर्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ फेजेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ट्रेगोपोन है जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन की हम बात करें इसे भी 3 रीजन्स के अंदर हमने डिवाइड किया है, सब माउंटेन टेम्परेट एंड अल्पाइन। सब माउंटेन जो कि जहां पे डांस फॉरेस्ट पाए जाते हैं शुरू रोबस्टा के, ये अप टू 6000 फीट तक फैला हुआ है, रिवराइन एरिया के अंदर डलबर्जिया सीसो और अकेसिया कैटेजू के फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा मिक्स डेसीडियस ट्रीज पाए जाते हैं और टॉल ट्रीज जो है इसमें पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन की हम बात करें तो 6000 से 12000 फीट तक ये है। लोअर रीजन पे ओक्स बहुत सारे हैं, हर वेराइटी के ओक्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ हैं वो हैं क्यूरकस लैमेलोसा है, क्यूरकस लेनियाटा है, फिर है माइकेलिया है,
फिर है सिड्रेला है, फिर है यूजीनिया है, अपर रीजन में कॉनिफर्स है जैसे कि यूनिपरस है, क्रिप्टोमेरिया है, पीका है, एबाइस है और ट्यूगा है। उसके अलावा बैम्बोस है यहाँ पे जो कि बहुत कॉमन है, अरुंडी नेरिया ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और उसके अलावा यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन है वो भी पाया जाता है। अल्पाइन रीजन में जो कि 12,000 फीट और उसके ऊपर का एरिया है जहां पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं ना के बराबर है, और यहाँ पे अगर कुछ पाए जाते हैं तो जूनिपेरस और रोडोडेंड्रॉन है जो कि श्रबी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। रेनफॉल बहुत हैवी है और स्नोफॉल जो होता है वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही होता है। यहाँ के फौना की बात करें तो हम रेड पांडा, हॉग बैडजर, फेरेट बैडजर और क्रिस्टलेस पॉर्क्यूपाइन है और एंटीलोप्स जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बायोजियोग्राफिक रीजन पढ़ते हैं वो है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो होता है ये राजस्थान और कच्छ तक फैला हुआ है, राजस्थान और कच्छ तक फैला हुआ है, इसे हम देख सकते हैं ये वाला एरिया है राजस्थान और कच्छ तक फैला हुआ है, और ये 6.6% बैंड बना है। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की कैसी है, हॉट है, काफी समर है, और कोल्ड विंटर जो होती है यहाँ पे पाई जाती है। रेनफॉल जो होती है 400 mm से भी कम की रेनफॉल यहाँ पे पाई जाती है। फ्लोरा जो कि स्पेसिफिक यहाँ पे जीरोफाइटिक है, अकेसिया है, प्रोसोपिस है, प्रोसोपिस की स्पीसीज है, साल्वेडोरा है, साल्वेडोरा पर्सी का है, टेकम्बेला है, कैपरिस इफाइला है, टेमेरिक्स है, जिजिफायस यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ कैलोट्रोपस की स्पीसीज है और कुछ ऐसे प्लांटेशन है जो कि प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है जैसे सेकेरम मुंजा है, पैनिकम एंटीडो टेला है और कैपरिस इफाइला है। यहाँ पे भी स्पेशल फोनास पाए जाते हैं, ये ऐसे स्पेशल फोनास है जो कि मैक्सिमम कैसे बर्रोइंग वन है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए सब कैसे है बर्रोइंग वन है, और जो मैमल्स हैं स्पेशली वो कैसे हैं, रोडेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि मैमल्स का यहाँ पे पाया जाता है रोडेंट का। इंडियन डेजर्ट गर्बिल है जो कि ये भी एक तरह का रोडेंट जैसा एनिमल है। उसके अलावा वाइल्ड ऐसे ब्लैक बक है, डेजर्ट कैट है, करकल है, रेड फॉक्स है, रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स, लिजर्ट, टोर्टाइस यहाँ पाए जाते हैं। डेजर्ट लिजर्ट के अंदर एगामाइट है, लेसर्टिड्स हैं और गैंगकॉक्स हैं। यहाँ पे बर्ड्स जो पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि डेजर्ट फॉक्स है, इंडियन डेजर्ट कैट है, होन बारा बस्टर्ड है, और डेजर्ट कैट को तो अब इतना किलिंग किया जाने लग गया है कि अब वो रेयर एंडेंजर्ड कंडीशन के अंदर आ गया है। फ्लैमिंगोज भी पाए जाते हैं, फ्लैमिंगो की ब्रीडिंग साइट रिकॉर्ड की गई है जो कि कच्छ के अंदर देखी जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट बायोजियोग्राफिक रीजन इज सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन है जो कि 16.6% पार्ट बनाता है। दिस इज वन सेमी एरिड रीजन। ये डेजर्ट रीजन और वेस्टर्न घाट के बीच में एक ट्रांजिशन पोजीशन रखता है, आप यूं भी कह सकते हैं, एक तरह का इकोटोन है जो ये पाया जाता है, जो इनके बीच में ये पाया जाता है। यहाँ पे ग्रासेस और श्रब सपोर्ट करते हैं, रेन शेडो एरिया एक तरह का सेमी एरिड पार्ट बना रहा है इसको, और यहाँ पे ग्रासेस और श्रब्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ और को सपोर्ट करने वाले पार्ट्स हैं। प्लांट एक्सन में जो पाए जाते हैं एकेसिया है, एनोजियोसस है, पेलेनाइट्स है, एनोजियोसस जो कि है एनोजियोसस पेंडुला के यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके अलावा हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं ब्लैक बक है, चिंकारा है, नील गाय है, गजेला है। कार्निवोरस में है लायंस है, अब ये कुछ ही एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हो गए या सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है। उसके अलावा चीता, करकल और जैकल और वुल्फ पाए जाते हैं। एंडेमिज्म जो है वो बिल्कुल लो है, एंडेमिज्म का मतलब होता है वो स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर इन्हीं एरिया के अंदर पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद भी है वो है एशियाटिक लायन, जो कि ये एशियाटिक लायन जो होते हैं सिर्फ अब गिर नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बायोजियोग्राफिक रीजन पढ़ेंगे डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला एक बहुत बड़ा एरिया है, सबसे लार्जेस्ट आप देख सकते हैं इसका बायोमास से 43% पार्ट बना रहा है ये, और ये यहाँ पे कंजर्व फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं जो कि एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा के हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, इनके रिवर सिस्टम जो है यहाँ पर
पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट और थ्रोन फॉरेस्ट के साथ साथ डिग्रेडेटेड श्रब लैंड्स भी पाए जाते हैं। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होंगे उनमें साल और टिक्स के फॉरेस्ट हैं, और ड्रायर थ्रोन फॉरेस्ट में अकेसिया, एल्बिजिया और हार्डविकिया के फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो होती है उसके अंदर जो है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में चीतल, साबर, नीलगाय, चौसिंगा जो है ये पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। उसके अलावा एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और स्वाम टियर जो है ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है सिर्फ रिवर की लाइन तक ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गंगेटिक प्लेन। ये कंप्लीट एरिया गंगेटिक प्लेन का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि गंगा रिवर सिस्टम के आसपास पाया जाता है। 10.8% पार्ट है, यूपी, बिहार, बंगाल इसमें शामिल है। क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। रेनफॉल कहीं कहीं बहुत ज्यादा कम है, 70 सेंटीमीटर से भी कम है जो कि वेस्ट यूपी में देख सकते हैं, और कहीं कहीं 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है जो कि हम बंगाल में देख सकते हैं। वेजिटेशन यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट है और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है। उसके अलावा आप यहां देख सकते हैं दलबजीय सीसो और अकेसिया नीलोटिका की फॉरेस्ट है जो कि वेस्ट यूपी में दिखाई दे सकते हैं। कैपरी सेफाइला और सिगरम मुंजा की फॉरेस्ट है जो कि साउथ वेस्ट यूपी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। ईस्ट यूपी के अंदर भूटिया मोनोस्पर्मिया, मधुका, टर्मिनेलिया, मुचेनिया, डायोस्पायरोस, कोर्डिया, अकेसिया, इजार्डिटा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, फाइकस बंगालेंसिस, फाइकस रिलेजियोसोआ ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ बीज और ग्रासेस जो हैं यहाँ पे ये भी पाई जाती हैं, जैसे कि जानतिया में केसिया है, आर्जीमोन मैक्सिकाना है, अमेरेंटस है, इसके यहाँ पे फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे डेल्टास रीजन भी बहुत पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीम स्वाम्प और हेलोफाइटिक वेजिटेशन भी है यहाँ पे, जैसे कि राइजोफोरा है, राइजोफोरा मुक्रोनाटा है, राइजोफोरा कॉन्जुगेटा है, एकांथस है, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट डेल्टा रीजन में पाए जाने वाले वेजिटेशन है। ये काफी बड़ा एरिया है, लार्ज जोन है, और कई हंड्रेड किलोमीटर तक ये सिर्फ होमोजेनस है। एरिड रीजन भी है, यानी जहां पे 500 mm से बहुत कम बारिश होती है, और बहुत ज्यादा मॉइस्ट रीजन भी है जहां 2000 mm से कहीं ज्यादा बारिश होती है। उसके अलावा यहाँ पे शोरा रोबस्टा की फॉरेस्ट है, उसके अलावा मिक्स ड्राइड डेसीडियस फॉरेस्ट है जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, या एंडमिज्म की कमी पाई जाती है। फिर भी जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाए जाते हैं वो है राइनो है, एलिफेंट है, बफेलो है, स्वाम्प डियर है। वेस्टर्न एरिया के अंदर नील गाय, ब्लैक बग और चिंकारा है, स्वाम्प और हॉक डियर्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं कि जो स्मॉल पॉकेट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा है राइनो, बंगाल फ्लोरिकाइन है, हिस्पिस हेयर है जो कि यहाँ पे तराई के अंदर पाए जाते हैं, और सांबर, चीतल और बोरल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेस्टर्न घाट। 4.4% पार्ट बना रहा है, आप देखेंगे ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट का रीजन है, और ये एक हॉट स्पॉट है जो कि ठेठ हम बात कर सकते हैं कन्याकुमारी से लेके साउथ में कन्याकुमारी से लेके ऊपर ताप्ती रिवर तक ये फैला हुआ है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे पाए जाते हैं, और रिच बायोडाइवर्सिटी है काफी ज्यादा, 4000 स्पीसीज सिर्फ हायर प्लांट्स की है यहाँ पे। पूरे इंडिया के अंदर 15000 स्पीसीज पाई जाती है, उसका 27% पार्ट सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, जिनमें से 1800 स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज है जो कि यहाँ पाई जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, कहीं कहीं पे 2000 mm से भी ज्यादा होता है जो कि इसे बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनाता है, लेकिन कहीं इससे भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंचता है, 5000 mm एरिया भी पाया जाता है। यहाँ के स्लोप रीजन के अंदर टी, कॉफी, कोका, रबर, कार्डामोम और चिंगोना के ट्रीज जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो शोलास कहलाते हैं, जो कि पालनी, अन्नामलाई और नीलगिरी तक फैले हुए हैं। यहाँ की वर्टिब्रेट्स एनिमल जो है वायबल पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है, मैक्सिमम जो है वो कैसे है
एंडेमिक एनिमल्स हैं। इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि ट्रावनकोर टॉर्टाइज है और क्रेन टर्टल है। ये फुल्ली कैसे हैं? एंडेंजर्ड कंडीशन में और एंडेमिक है। मैमल्स जो है यहाँ पे उसके 62 जनरा पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो है रूडेंट है और वो सब के सब एंडेमिक पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पर और नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, लायंस पाए जाते हैं, टेल मकाक्यू पाए जाते हैं, रोडेंट्स हैं इसमें, जॉइंट स्क्विरल है इसमें। यहाँ पे मलाबार सीवर्ट्स जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, रस्टेड स्पॉटी कैट है। उसके अलावा नीलगिरी टहर है यहाँ पाए जाते हैं, हॉर्नबिल्स हैं। यहाँ के हॉर्नबिल्स को कहा जाता है मलाबार ग्रे हॉर्नबिल्स, और मलाबार ग्रे हॉर्नबिल्स इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एंड मेच्योर डेसीडियस फॉरेस्ट। तो आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं और एनिमल्स हैं जिनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, ये एक तरह का हॉट स्पॉट है और इसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। 40% पार्ट बनाता है ये। सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आते हैं असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है जो कि इंडिया का इंडो मेघालयन और इंडो चाइनीज के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। ये माउंटेन्स और पेनिनसुलर इंडिया से भी ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ग्रेट बायो ज्योग्राफिक रिचनेस पाई जाती है। ये कैसा ट्रांजिशन जोन है जहां पे जो कि लो और हाई लैंड एरिया के बीच में पाया जाता है। खासी जनता हिल्स जो पाई जाती हैं, ये एशिया के रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन है जो यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा हॉर्नबिल और कुछ स्मॉल कार्निवोरस स्पीसीज भी यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे पाए जाते हैं राइनोसेरस, बफेलो, एलिफेंट, स्वाम डियर और हिस्पिसियर्स भी हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। ये वाटरफॉल्स जो होते हैं माइग्रेटरी होते हैं, जो कि इंडियन सम कंटिनेंट के वार्म क्लाइमेट और साइबेरिया और चाइना क्लाइमेट के बीच में माइग्रेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आइसलैंड। दो तरह के आइसलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड जो होते हैं अरेबियन सी में मौजूद है और यहाँ पे बहुत ही नेचुरल वेजिटेशन जो होती है बहुत ही कम यहाँ पर पाई जाती है। अंडमान निकोबार आइसलैंड 348 आइसलैंड इसके अंदर शामिल है। 590 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यही अराकन माउंटेन रेंज जो होता है ये वहां तक स्प्रेड है। अंडमान में काफी ज्यादा एफिनिटी पाई जाती है म्यांमार से रिलेटेड। निकोबार में इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया से काफी ज्यादा एफिनिटी। और रेन फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट है और आइसलैंड है। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो काफी आइसोलेटेड एरिया के अंदर है, इसलिए यहाँ पे पाई जाने वाली स्पीसीज जो होती है हर किसी जगह नहीं पाई सकती, इसलिए यहाँ पे एंडेमिज्म जो है बहुत ज्यादा हाई एंडेमिज्म पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्रोव्स है, बीच फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन है, डेसीडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर पाए जाते हैं। डिप्टेरोकार्पसी जो होते हैं यहाँ का इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे मैमल्स जो होते हैं काफी पुअर है, जो है वो है रोडेंट है। एग्जॉटिक मैमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान पिग है यहाँ पर पाया जाता है, यह नेटिव मैमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्रैबिटिंग और निकोबार मकाक्यू है, निकोबार ट्री श्रू है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, निकोबार मेगालोप और ए माउंट बिल्डिंग बर्ड्स जो होती है वो यहाँ के सैंडीशोर में पाए जाते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी है ए नार्कोडियम हॉर्नबिल। ये नार्कोडियम हॉर्नबिल जो है ये फुली एंडेमिक है। ये नार्कोडियम जो आइसलैंड है वहां के वॉल्केनिक एरियाज जो है उसके 7 किलोमीटर दायरे तक ये पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि सिर्फ एंडेमिक बर्ड्स हैं, जैसे निकोबार पिजन है, अंडमान वुड पिजन है एंड निकोबार पैराकीट्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा एम्फीबियन रेप्टाइल भी हैं जो कि एंडेमिक हैं। सॉल्ट वाटर
क्रोकोडाइल है जो कि पर्टिकुलर इसी एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है. उसके अलावा फोर स्पीसीज मैरान टर्टल की भी हैं जो यहाँ पे पाई जाती है कोस्टल सिस्टम में. मैग्रूव्स, इंश्यूराइन, कोरल रीफ्स और मैरान क्लिफ जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. डॉल्फिन और वेल भी इन एरियाज में देखी जा सकती है. लास्ट हम पढ़ेंगे हम कोस्ट, कोस्ट जो कि 5500 किलोमीटर तक स्प्रेड है. ये पूरा एरिया जो कि गुजरात के कच्छ से हम स्टार्ट होके ये पूरा एरिया यहाँ तक ये कंप्लीट जो है ये पूरी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है जो इंडिया की जो पाई जाती है, जहाँ पे मैग्रूव है, कोरल रीफ है, इंश्यूराइन है, लागूंस है, डेल्टाज हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, सैंडी बीचेज हैं यहाँ पे पाए जाते हैं. जहाँ पे प्लांट कम्युनिटीज हैं वो हैं केसू अरीना है, कैलोफाइलम है, पेंडानस है, मटफेल्स पाए जाते हैं, कोरल एंड रॉकी कोस्ट लाइन है, मैराइन एंजियोस्पर्मिया पाए जाते हैं. एनिमल्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डंग डोंग जो है और हम बैक डॉल्फिन्स हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, वैरिड टर्टल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ह्यूज सॉफ्ट शेल इंश्योरेंट टर्टल्स भी है जो यहाँ पाए जाते हैं. बर्ड्स कम्युनिटीज हैं जो कि अलग अलग एरिया की है, मैग्रूव है, मडफेल्ट है और लैगून्स की है. तो ये सभी इसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं. ये कंप्लीट हुआ अपना बायोजोग्राफिकल जोन इन इंडिया.